पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा कैंट स्टेशन से कुसमी के बीच तीसरी लाइन बनाई जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर कैंट से कुसमी के बीच में तीसरी लाइन का कार्य चल रहा है, जिसका पूरा कार्य 5 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ये कार्य पूरा होने से पूर्वोत्तर रेलवे की पहली तीसरी लाइन बन जाएगा, जो कि गोरखपुर का है। उन्होंने बताया कि तीसरी लाइन ना होने से ट्रेनों को रोकना पड़ता था, ये लाइन बन जाने से वो समस्या दूर होगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। इसके अलावा गोरखपुर कैंट स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन की तरह डेवलप करने का कार्य चल रहा है, वो भी इस पर निर्भर है कि इसके बन जाने से कार्य आसानी से शुरू हो जाएगा। इससे स्टेशन हाई क्लास का स्टेशन बन पाएगा और यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर कैंट से कुसमी के बीच में तीसरी लाइन का कार्य फाइनल स्टेज में चल रहा है और इसकी प्री एनआई 5 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद एनआई होना है और 11 सितंबर को संभावित डेट है सीआरएस इंस्पेक्शन का, जिसके बाद से इस लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। और इसके पूरा होने से यह पूर्वोत्तर रेलवे की पहली तीसरी लाइन बन जाएगी कुसमी से गोरखपुर कैंट। तो यहाँ पे जो बॉटल नेक था, जिसकी वजह से ट्रेनें रुकती थी कई बार कुसमी स्टेशन पे, वो समस्या दूर होगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। साथ ही साथ जो गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर डेवलप किए जाने का कार्य है, वह भी इस पर निर्भर था। यानी कि जब तीसरी लाइन कनेक्ट हो जाएगी और उसकी रिमॉडलिंग हो जाएगी, उसके बाद से ही जो प्लेटफॉर्म पर स्थित वर्तमान स्टेशन भवन है, वो प्रस्तावित स्टेशन बिल्डिंग में शिफ्ट हो पाएगा। तो उसके बाद से उस प्लेटफॉर्म को फिर से उसको हाई राइज करना, हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाना है, और सर्कुलेटिंग एरिया का जो विस्तार का कार्य है वह पूरा हो पाएगा। तो इस कार्य का होना बेहद आवश्यक है और इसी के चलते कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है, लेकिन इस कार्य के पूरा होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और शहरवासियों को भी एक अच्छा सैटेलाइट स्टेशन मिलेगा।